Hello everyone. So here we meet again, and today we are going to start off with the syllabus of term two, that is, starting from chapter number five of physical chemistry, and the chapter is the states of matter. First, we shall be beginning with the gaseous state, obviously, and the topic that we are going to start today is gas laws, part one. So let's, has start. द फर्स्ट लॉ डट वी हैव टू स्टडी द बॉयस लॉ प्रपोज बाय नाम से ही पता चल रहा है बॉयल hmm. रॉबर्ट बॉयल इन 1662. रॉबर्ट बॉयल ने इस लॉ को प्रपोज किया कब 1662 में और ये लॉ कहता क्या है स्टेटमेंट वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस Volume of a given mass of a gas is inversely proportional to the pressure of the gas. provided that the temperature remains constant provided that the temperature remains constant so, you इसमें एक तो देखिए टेम्परेचर के बारे में बात है क्या कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए और वॉल्यूम ऑफ गिवन मास बोल रहे हैं तो मास भी कांस्टेंट है गिवन मास की जो वॉल्यूम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी गैस के प्रेशर के शर्त यह है कि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहना चाहिए देखिए इसको आप ऐसे समझ सकते हैं सपोज ये एक कंटेनर है और इसके अंदर एक गैस एंक्लोज है ये एक पिस्टन लगा हुआ है सपोज पर जिसको हम अगर मूव करेंगे तो प्रेशर को हम चेंज कर सकते हैं यहां पर एक गैस के मॉलिक्यूल्स हैं लगातार एक स्टेट ऑफ रैंडम मोशन में हैं, लगातार चल रहे हैं और कोलाइड कर रहे हैं एक दूसरे से भी और इस कंटेनर की वॉल्स से भी जब ये मॉलिक्यूल्स इस कंटेनर की वॉल्स से कोलाइड करते हैं तो ये इस पर फोर्स एग्जर्ट करते हैं जितने भी सर्फेस इन गैस मॉलिक्यूल्स के पास अवेलेबल हैं ये उन सारे ही सर्फेसेस पर कोलाइड करके फोर्स एग्जर्ट करते हैं और वो फोर्स रेस्पॉन्सिबल होती है प्रेशर के लिए अब अगर इस गैस की वॉल्यूम सपोज बढ़ा दी जाए इस पिस्टन को ऊपर कर दिया जाए अगर इस पिस्टन को हम ऊपर कर देंगे तो क्या होगा इस पिस्टन को ऊपर करने से यहां पर जो अवेलेबल वॉल्यूम है गैस के मॉलिक्यूल्स के पास के पास एक ज्यादा बड़ी वॉल्यूम अवेलेबल है तो नंबर ऑफ जो अब होंगे वॉल्स पर स्ट्राइक करने से जो अब कॉलेज होंगे वो ऑब्वियसली यहां के कंपैरिजन में कम होंगे अगर यहां पर सपोज टेन कॉलेज हो रहे थे पर सेकेंड टेन कॉलेज पर सेकेंड तो यहां पर ऑब्वियसली जब वॉल्यूम बढ़ गई तो नंबर ऑफ कोलिजंस पर सेकंड जो है वो अब कम हो जाएंगे सपोज यहां 7 कोलिजंस रहेगा पर सेकंड और अगर अब 7 कोलिजंस हैं पर सेकंड तो ऑब्वियसली जो फोर्स अब एक्सर्ट होगी वो यहां के कंपैरिजन में कम एक्सर्ट होगी जो फोर्स इस कंटेनर की दीवारों पर गैस मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट कर रहे हैं वो यहां के कंपैरिजन में

जब नंबर ऑफ कोलिजन घट गए तो ऑब्वियसली जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है पर यूनिट एरिया दैट इज द प्रेशर वो भी डिक्रीज हो गया घट गया ठीक है तो मैथमेटिकली हम ये कह सकते हैं, एट एट कांस्टेंट कांस्टेंट टेम्परेचर, वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस तो हम यहां पर एक कांस्टेंट पोट कर देते हैं वी इक्वल टू हो जाएगा के अपॉन पी तो हम कह सकते हैं कि पी वी इक्वल टू के कॉन्स्टेंट क्या मतलब हुआ इस बात का कि प्रेशर और वॉल्यूम को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें इनका अगर हम प्रोडक्ट निकाल दें तो वो कॉन्स्टेंट आएगा मतलब कुछ भी प्रेशर हो कुछ भी वॉल्यूम हो जब तक टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तब तक प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है डेट विल रिमेन कॉन्स्टेंट इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि मैं यहां पर एक टेबल बनाता हूं जिसमें हम प्रेशर वॉल्यूम और इन दोनों के प्रोडक्ट को कंपेयर करेंगे सपोज प्रेशर इनिशियली है फाइव एटमोस्फेयर्स वॉल्यूम है टेन लीटर्स क्या प्रोडक्ट आएगा फाइव इंटू टेन कितना हो गया फिफ्टी प्रेशर और वॉल्यूम का क्या प्रोडक्ट आ गया फिफ्टी अब प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो इस लॉ के अकॉर्डिंग बॉइल्स लॉ के अकॉर्डिंग कैसा है कॉन्स्टेंट तो मतलब ये जो वैल्यू है ये फिक्सड हो गई ये वैल्यू कॉन्स्टेंट हो गई अब अगर हम वॉल्यूम चेंज करते हैं मान लीजिए हमने वॉल्यूम सपोज घटाकर फाइव कर दी तो प्रेशर ऑटो एडजस्ट हो जाएगा इस हिसाब से कि ये वैल्यू कितनी रहे फिफ्टी तो प्रेशर फॉरन इंक्रीज होकर टेन हो जाएगा कि ये वैल्यू फिफ्टी कॉन्स्टेंट मेंटेन करी जा सके अगर हम कह दें कि हमने सपोज वॉल्यूम और घटा दी टू कर दी लेकिन ये वैल्यू तब भी कांस्टेंट मेंटेन करनी है तो प्रेशर ऑटो एडजस्ट होगा इस तरह कि 25 हो जाएगा और ये वैल्यू तब भी 50 मेंटेन रहेगी अगर हम कहें कि हमने वॉल्यूम सपोज 25 कर दी वॉल्यूम बढ़ा दी तो प्रेशर ऑटो एडजस्ट होगा इस तरह कि ये वैल्यू 50 कांस्टेंट मेंटेन करी जा सके मतलब आप देख रहे हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो लगातार कांस्टेंट बना रहेगा कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रेशर क्या है वॉल्यूम क्या है जब तक टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा किसी भी एंक्लोज गैस के लिए जो कि एक कंटेनर में बंद है प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट जो है वो लगातार कांस्टेंट बना रहेगा और यही लॉ है लॉ। तो हम एक बार में किन्हीं दो सिचुएशंस को कंपेयर करते हैं वैसे तो हम ये कह सकते हैं कि पी वन वी वन इक्वल टू पी टू वी टू इक्वल टू पी थ्री वी थ्री इक्वल टू पी फोर वी फोर एंड दिस गोज ऑन हम कह सकते हैं पी एन VN. एक बार में क्योंकि जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि हम दो सिचुएशन को कंपेयर करते हैं तो जनरली जो फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स में हम अप्लाई करते हैं लॉ की फॉर्म हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं बहुत जल्द हम इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करेंगे इज बॉयल्स लॉ नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट लॉ And that is the Charles Law, and that was proposed by Jacks Charles. Jacks Charles, proposed in the year seventeen hundred eighty. ये क्या कहता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं पहले जैसे अभी बॉयल्स लॉ का देखा था पीछे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल To its absolute temperature is directly proportional to its absolute temperature, provided that the pressure remains constant. प्रेशर रिमेंस कांस्टेंट बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट था बॉयल्स लॉ में कांस्टेंट था टेम्परेचर और रिलेशन था वॉल्यूम और प्रेशर के बीच यहां पर कांस्टेंट कौन है यहां पर कांस्टेंट है प्रेशर प्रेशर रिमेंस कांस्टेंट और ऑब्वियसली गैस का जो मास है वो भी कांस्टेंट है गिवन मास गैस के मॉलिक्यूल जितने थे उतने ही रहेंगे कंटेनर के अंदर वो भी चेंज नहीं होंगे जब ये एग्जीक्यूशन होगा इसको हम ऐसे समझ सकते हैं मैं चेंज कर देता हूं उस लाइट को ताकि हम क्लियरली देख सकें ये हो गया कंटेनर और इसमें सपोज इस पोजीशन पर ये पिस्टन है जो कि मूवेबल है और यहां पर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि अपनी नेचुरल टेंडेंसी को फॉलो करते हुए लगातार इधर-उधर मूव कर रहे हैं रैंडम मोशन में हैं कोलाइड कर रहे हैं अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द कंटेनर अमंगस्ट देमसेल्व्स और जब ये कंटेनर की वॉल्स से कोलाइड करते हैं लाइक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस लॉ तो फिर ये फोर्स एक्सर्ट करते हैं जब फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो फिर ऑबवियसली प्रेशर एक्सर्ट करते हैं अब अगर हम यहां पर हीट सप्लाई कर दें थोड़ी सपोज हमने ये बर्नर यहाँ पर रख दिया और हीट सप्लाई हो रही है तो जब हीट सप्लाई होगी तो फिर इस गैस का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा कहीं तो पर भी जब हीट सप्लाई होती है तो फिर वो अपने आप को किस फॉर्म में मैनिफेस्ट करती है वो अपने को मैनिफेस्ट करती है अपने को शो करती है इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द गैस और दबस्टेंस टू विच इट सप्लाइड जिस सब्सटेंस को भी हीट सप्लाई की जाएगी वो अपने आप को किस फॉर्म में शो करेगी काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीमेंट की फॉर्म में शो करेगी अब जैसे मैं कहूं कि ये गैस का मॉलिक्यूल है सपोज एक गिवन टेम्परेचर पर ये इस तरह इधर उधर जा रहा है वाइब्रेट कर रहा है एक रैंडम मोशन इसका है मोशन। ठीक ये मान लीजिए टेम्परेचर टीवन पर है अब अगर हम हीट सप्लाई करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा टेम्परेचर ये वाला कम है ये बड़ा हुआ है तो फिर वही मॉलिक्यूल जो पहले इस तरह इधर उधर रैंडम मोशन कर रहा था उसी मॉलिक्यूल का रैंडम मोशन अब थोड़ा एक तो फास्टर स्पीड के साथ होगा और साथ में ज्यादा बड़े एम्पलीट्यूड के साथ भी होगा तो उससे ऑब्वियसली क्या होगा जो मॉलिक्यूल यहाँ पर पहले इस तरह इधर उधर जा रहा था अगर उसके नंबर ऑफ कोलिजन सपोज यहाँ पर फाइव कोलिजन थे पर सेकेंड अगेंस्ट वॉल्स 5 कोलिजंस पर सेकंड हो रहे थे पहले लेकिन अब जब वही मॉलिक्यूल इधर-उधर खूब तेज भागेगा इंक्रीज्ड काइनेटिक एनर्जी की वजह से हीट सप्लाई होने से जो बढ़ गई है तो फिर क्या होगा ऑब्वियसली जब वो इस तरह अपना मोशन एग्जीक्यूट करेगा तो फिर नंबर ऑफ कोलिजंस जो हैं दे आर सब्जेक्टेड टू इंक्रीज मान लीजिए वो कोलिजंस अब सपोज 10 कोलिजंस हो गए पर सेकंड जब 10 कोलिजंस पर सेकंड हो गए तो ऑब्वियसली जो फोर्स अप्लाई होगी वो बढ़ जाएगी जब फोर्स अप्लाई होगी मतलब फोर्स जब बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली फिर प्रेशर भी बढ़ जाएगा अब जब प्रेशर बढ़ेगा तो फिर ये जो सरफेस है इसका कंटेनर का ये वाला जो सरफेस है पिस्टन ये क्योंकि मूवेबल है तो ये ऊपर उठना शुरू हो जाएगा अब जब ये ऊपर उठना शुरू होगा तो इसको ऐसे समझ लें कि जब ये ऊपर उठेगा तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई थी उनको रीएडजस्टमेंट का चांस मिल जाएगा जब उनको रीएडजस्टमेंट का चांस मिलेगा तो फिर प्रेशर जो बीच में बढ़ गया था भाई तो गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं पहले जो फाइव कोलिजन कर रहे थे एक सेकंड में अगर वो टेन कोलिजन पर सेकेंड करने लगे तो ऑब्वियसली यहां पर प्रेशर इंक्रीज हो गया लेकिन क्योंकि पिस्टन पिस्टन मूवेबल है क्योंकि ये ऊपर जा सकता है तो

जिसकी वजह से प्रेशर ऑब्वियसली डिक्रीज हो जाएगा और वापस उतना ही पहुंच जाएगा जितना पहले था तो कुल मिलाकर बात यह निकली कि प्रेशर बीच में टेम्परली भले ही बढ़ गया हो लेकिन बाद में वो प्रेशर उतना ही हो गया जितना था तो प्रेशर हो गया कांस्टेंट। लेकिन यहां पर आप देख रहे हो कि हीट सप्लाई करने से वॉल्यूम में जरूर चेंज आया मतलब एक तरफ टेम्परेचर बढ़ा तो आप देख रहे हो जो पिस्टन यहां था पहले जो इतनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो रही थी वो वॉल्यूम आप देख रहे हो कि अब इतनी ऑक्यूपाई हो रही है तो मैथमेटिकली क्या बात निकल के आई कि वॉल्यूम इंक्रीज हो गई टेम्परेचर को इंक्रीज करने से स्टेटमेंट भी ये कहता है दैट वॉल्यूम ऑफ ऑफ अ अ गिवन मास गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट और ये कब है एट कांस्टेंट क्या चीज कांस्टेंट थी अभी जस्ट पीछे हमने देखा कि प्रेशर कांस्टेंट था क्टली प्रोपोर्शनल टूटोल्यूट टेम्परेचर हम यहाँ पर इसको हम यहाँ समझ सकते हैं इस तरह कि जिस तरह बॉइल स्लो में प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट था आप याद करिए पी वी इक्वल टू के था वहां पर कांस्टेंट ये बॉयल्स लॉ में था ये अलग चीज हो गई लेकिन जिस तरह प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट था बॉयल्स लॉ में उसी तरह वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो रेशियो है डेट इज कॉन्स्टेंट इन चार्ल्स लॉ मतलब अगर मैं कहूं कि ये वॉल्यूम है और ये टेम्परेचर है और ये है वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशियो तो मान लीजिए वॉल्यूम है 50 सपोज और टेम्परेचर है ट्वेंटी फाइव तो वी और टी का रेशियो क्या हो जाएगा फिफ्टी अपॉन ट्वेंटी फाइव कितना हो गया टू तो अगर मान लीजिए फिफ्टी हो जाता है तो वॉल्यूम ऑटो एडजस्ट हो जाएगी इस तरह कि वी और टी का रेशियो कितना बना रहेगा कितना बना रहे टू अगर मान लीजिए फाइव हंड्रेड हो जाता है तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली वन थाउजेंड हो जानी है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो रेशियो है वो कितना बना रहे टू अगर मान लीजिए टेम्परेचर सपोज हंड्रेड हो जाता है तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली कितनी हो जानी है टू हंड्रेड की कि रेशियो कितना बना रहे टू तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो रेशियो है डेट मस्ट स्टे कांस्टेंट। इसका मतलब यह हुआ कि हम लिख सकते हैं कि वी वन अपॉन टी थ्री अपॉन टी थ्री टू वी फोर अपॉन टी फोर इक्वल टू एंड दिस विल to टू वी एन अपॉन टी एन क्योंकि हम एक बार में केवल दो ही सिचुएशंस को कंपेयर करते हैं इसका फाइनल मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो हम बनाएंगे डेट विल बी वी वन अपॉन टी वन इक्वल टू वी टू अपॉन टी टू और इसी के साथ ये लॉ भी यहां पर खत्म हुआ okay so we can now move to the next law which is the pressure temperature law pressure temperature law it was proposed by joseph louis a lussac In the year 18, 0, इसका statement क्या होगा? ये देखिए से मिलता-जुलता है थोड़ा स्टेटमेंट इसका बस फर्क यह है कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी तो प्रेशर प्रोपोर्शनल होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर के तो यू विल से अकॉर्डिंग टू दिस लॉ प्रेशर ऑफ अ गिवन मास Of a gas is directly proportional to its absolute temperature provided that. The volume remains constant. देखिए चार्ल्स लॉ में और प्रेशर टेम्परेचर लॉ में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है बस इतना डिफरेंस है सपोज हमने अगर कंटेनर ले रखा है और इसमें पिस्टन लगा हुआ है पिछली बार ये पिस्टन मूवेबल था इस बार ये पिस्टन अपनी जगह पर फिक्स्ड है इट कांट मूव इस बार पिस्टन मूव नहीं कर सकता मतलब वॉल्यूम कॉन्स्टेंट हो गई वॉल्यूम चेंज नहीं होगी वॉल्यूम यही रहेगी नो मैटर व्हाट और इसके अंदर गैस के ये मॉलिक्यूल्स अपने नॉर्मल रैंडम मोशन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं दीवारों से टकरा रहे हैं और प्रेशर एग्जॉर्ट कर रहे हैं अगर यहां पर हम हीट सप्लाई कर दें क्या होगा टेम्परेचर बढ़ेगा अभी पिछले लॉ में चार्ल्स लॉ में आपको पता लगा कि जब भी कहीं पर हीट सप्लाई की जाती है इट शोज इट सेल्फ इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस टू विच इट हैज बीन सप्लाइड तो यहाँ पर जो हीट सप्लाई हो रही है वो यहाँ पर इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करेगी अब जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो जैसा कि मैंने पीछे बताया था इनका जो रैंडम मोशन है वो बढ़ जाएगा जब रैंडम मोशन बढ़ जाएगा ज्यादा कोलिजंस होंगे second, तो पर सेकंड तो ऑब्वियसली इसकी वॉल्स पर ज्यादा फोर्स लगेगी ज्यादा फोर्स लगेगी इसका मतलब ज्यादा प्रेशर यहां पर एक्सर्ट होने लगेगा पिछली बार तो प्रेशर रीएडजस्ट हो गया था क्यों क्योंकि पिस्टन मूवेबल था लेकिन इस बार प्रेशर को रीएडजस्टमेंट का कोई चांस नहीं मिलेगा इस बार जैसे-जैसे टेंपरेचर जैसे बढ़ेगा वैसे-वैसे प्रेशर भी बढ़ेगा और पिछली बार क्योंकि पिस्टन मूवेबल था तो प्रेशर जो बड़ा था वो वापस नीचे आ गया था लेकिन इस बार प्रेशर नीचे नहीं आएगा इस बार प्रेशर बढ़ गया तो बढ़ गया तो हम कह सकते हैं कि मैथमेटिकली एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर हम यहां पर एक कांस्टेंट लगा देते हैं के फिर हम कह देते हैं कि पी अपॉन टी इक्वल टू के मतलब पी और टी का रेशियो इस बार कांस्टेंट है मतलब जिस तरह वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशियो कांस्टेंट था इसमें चार्ल्स लॉ में आपने देखा था उसी तरह प्रेशर टेम्परेचर लॉ में प्रेशर और टेम्परेचर का रेशियो कांस्टेंट रहेगा इसको मैं ऐसे टेबिलेट करके आपको नहीं दिखा रहा हूं आप इसको कंपेयर कर सकते हैं चार्ल्स लॉ से वहां पर वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशियो कांस्टेंट था यहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर का रेशियो कांस्टेंट रहेगा बस शर्त यह है कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहने चाहिए तो हम कह सकते हैं कि पी वन अपॉन टी वन इक्वल टू पी टू अपॉन टी टू इक्वल टू पी थ्री एंड दिस विल कंटिन्यू इक्वल टू हम कह सकते हैं कि P1 वन अपॉन टी वन इक्वल टू पी टू अपॉन टी टू क्योंकि हम एक बार में दो ही सिचुएशंस को कंपेयर करते हैं तो यह वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है प्रेशर टेम्परेचर लॉ का जो कि हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल से डील करने के लिए ठीक है <coughs> अगला लॉ जो हमारे सामने है दैट कंबाइंड गैस लॉ लाइक द नेम सजेस्ट कंबाइंड गैस लॉ में लॉस को कंबाइन किया जाएगा इसमें बॉइल्स लॉ और चार्ल्स लॉ का कॉम्बिनेशन आपको दिखाई देगा देखिए अकॉर्डिंग टू बॉइल्स लॉ आप जानते हैं कि पी वन वी वन इक्वल टू पी टू वी टू अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ आप जानते हैं कि वी वन अपॉन टी वन इक्वल टू वी टू अपॉन टी टू अगर इन दोनों लॉज को किस किस को एक कौन सा है लॉ। लॉ। और एक कौन सा चार्ल्स अगर इन दोनों लॉज को हम एक जगह ले आए कंबाइन कर दें तो हमारे सामने कंबाइंड गैस लॉ आ जाएगा डैट विल बी पी वन वी वन अपॉन टी वन इक्वल टू पी टू वी टू अपॉन ई टू और ये तब यूज होता है जब प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों वेरिएबल हों तीनों चेंज हो रहे हों उस वक्त हम कंबाइंड गैस लॉ को न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे बहुत जल्द इस पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे ओके सो बॉयज एंड गर्ल्स दिस मार्क्स द पार्ट वन ऑफ द गैस लॉस इन दिस चैप्टर नंबर फाइव वेरी सून आई शैल बी अपलोडिंग पार्ट टू ऑफ द गैस लॉस And after that, we are going to do lots of numericals based on these laws. And uh, with this, I am is signing off. That's it. Thank you.